हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अगेन मैं उसी चैनल का वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड्स। तो आइए, ये सजेस्टेड वीडियो है, तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे जो पांच बहुत बड़े जो रहस्य है हमारी महाभारत में, उसका ये वीडियो है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। उससे पहले फ्रेंड, मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे को सपोर्ट करे, मेरे चैनल आगे बढ़ाए फ्रेंड्स। और वीडियो पूरा देखे, लाइक जरूर करे, और अभी अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट दोनों कर सकते हो। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने साथी गाथा के लोग, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। कुछ साल पहले की ही बात है, जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज करवाने पहुंचा। उस माथे का वो जख्म इतना घिनौना और गहरा था कि उसे देखकर लगता था जैसे मानो उस आदमी के माथे के बीच से उसका दिमाग भी उखाड़ निकाला हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस घाव को भरने की, उसे स्टिच करने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। तभी एक दिन इलाज करते हुए डॉक्टर ने उस मरीज से यूं ही पूछ लिया, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? पर यूं ही मजाक में कही बात ने उस डॉक्टर के होश उड़ा कर रख दिए। डॉक्टर ने कुछ ही देर के लिए अपना मुंह फेरा, उतने में वो मरीज गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और उस दिन के बाद वो दोबारा किसी को भी नहीं दिखा। अश्वत्थामा का आज भी हमारे बीच होना उस महायुद्ध के अनगिनत रहस्यों में से एक है। 5000 सालों पहले की बात है, जब पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक महाभारत का भयानक युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 1 अरब से भी ज्यादा लाशें बिछाई गई थी। महाभारत 18 लाख वर्ड्स लंबा एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है, पर महाभारत के इस लंबे टेक्स्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग या शायद कोई भी खुलकर नहीं जानता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम महाभारत के 4 और ऐसे माइंड ब्लोइंग राज जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ताकतवर और वीर योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जिसे भगवान शिव ने इमोर्टैलिटी या अमर होने का वरदान दिया था। पर कहते हैं कि अश्वत्थामा का यही अमरता का वरदान जल्द ही उसके सबसे बड़े शाप में बदल गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय उन्हें एक मणि दी गई थी। ये मणि यानी जेमस्टोन उनके माथे के बिल्कुल बीच में था। इस जेमस्टोन की वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे जितनी भी हो जाती, पर ना ही कभी उनको कोई शस्त्र और ना ही कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला किया और 5 लोगों को जान से मार दिया। पर उन 5 लोगों का खून करने के बाद उन्हें पता चला कि वो 5ों पांडव नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। इतनी बड़ी गलती देख कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को उखाड़ दिया और उन्हें श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे। बीमारियों से भरे पूरे शरीर पर छालों से घिरे कलयुग के अंत तक तड़पते रहेंगे। महाभारत में छुपी सबसे पहली पहेली कि शायद अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अब आते हैं महाभारत के दूसरे राज पर। महाभारत की जंग में कई लाशें बिछी थी, पर उनमें से किसी एक लाश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपकी और हमारी सोच के काफी परे है। ये कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से। जंग का दिन और समय सबसे छोटे पांडव सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी को देखकर तय किया था। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था। वो एक बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे जो भविष्य में झांक के उसे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे, बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह। अपने पिता की तरह सहदेव हमेशा ईमानदार रहते थे और जंग में दुश्मनों को भी निष्पक्ष होकर सहायता देते थे। पर सहदेव का ये वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था। पांडवों के पिता पांडु ने अपने सभी पुत्रों से कहा था कि वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश को खा ले ताकि उन सभी को उनका ज्ञान और उनकी शक्तियाँ मिल सके। लेकिन सभी पांडवों ने अपने पिता की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, सिवाय सहदेव के। सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके शरीर के एक हिस्से को खा लिया
और उनकी लाश के उसी हिस्से से सहदेव को दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और एक ईमानदार मन जैसे कई वरदान मिल पाए। जस्ट इमेजिन कि उस समय कैनिबलिज्म के थ्रू जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर की जाती थी। अब बात आती है महाभारत की तीसरी कहानी की, महाभारत के सबसे ताकतवर और बलवान योद्धा की कहानी। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था, पर एक योद्धा था जो इस पूरी जंग को अपने तीन तीर से एक झटके में खत्म कर सकता था, बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और शक्तिशाली भीम का पोता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे। बर्बरीक बचपन से ही एक बहुत ताकतवर वॉरियर माना जाता था। जंग की शुरुआत से पहले ही बर्बरीक ने कृष्ण को कहा था कि वो पूरी जंग को सिर्फ एक मिनट में खत्म कर सकता है, जहां बाकी शक्तिशाली योद्धा जैसे भीष्म इसको अकेले 20 दिन में, द्रोणाचार्य 25 और कर्ण 24 दिन में अकेले युद्ध को खत्म कर सकते थे, वहीं बर्बरीक सिर्फ एक मिनट में। और बर्बरीक किसी के पक्ष में नहीं था, उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष से ही लड़ेगा। बर्बरीक की असली गुरु थी उसकी माँ, जिन्होंने उसे कई शस्त्रों को चलाना सिखाया था। वो अपनी माँ से किए वादे से पीछे नहीं हट सकता था। अब उसके वादे में एक बहुत बड़ी पहेली छुपी थी, जिस वजह से वो इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाया। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो जिस भी पक्ष की तरफ से लड़ता, उस पक्ष का पलड़ा अपने आप ही भारी हो जाता। अब अगर बर्बरीक को कौरव जंग में हारते दिखते, तब वो उनकी तरफ से लड़कर पांडवों को कमजोर बना देता, और पांडवों को हारता देख बर्बरीक फिर से अपना पक्ष बदलता और फिर कौरवों को कमजोर कर बैठता। अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेता तो सिर्फ पक्ष बदलता रहता और अंत में सिर्फ अकेला जिंदा बच पाता। इस पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी कुर्बानी मांगी और उसे युद्ध लड़ने नहीं दिया। कृष्ण जी की बात मान बर्बरीक ने उन्हें अपना सर काट कर दे दिया और एक आखिरी मांग करी कि वो पूरा युद्ध देखना चाहता है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण जी ने युद्ध से पहले उसके कटे हुए सर को एक पहाड़ी के ऊपर लटका दिया और फिर वहां से बर्बरीक के सर ने पूरे युद्ध को निष्पक्ष होकर देखा। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने कहा था 5 रहस्य, लेकिन इसमें मैंने 3 ही रहस्य में मतलब रिएक्शन दिया फ्रेंड्स, क्योंकि तीनों रहस्य के बारे में अगर मैं बात करती ना 5 रहस्य में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब पहला रहस्य है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा को फ्रेंड पांडव के जो युद्ध हुआ था उसमें युद्ध में आखिर में द्रौपदी के 5 पांडव के जो 5 पुत्र थे जिनकी माँ थी द्रौपदी, वो बचे हुए थे आखिर लास्ट में। तो एक टेंट में वो सो रहे थे, तो अश्वत्थामा ने ये सोचा, क्योंकि अश्वत्थामा ने अपने मित्र यानी दुर्योधन को तड़पते हुए देखा तो उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने ये देखा कि 5 पांडव टेंट में सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा कौन है और उन्होंने उन पे घात कर दिया। यानी वो 5 पांडव के जो 5 पुत्र थे वो इसमें मर गए। इसीलिए कृष्ण भगवान ने जो उनके सिर पे जो मणि थी वो मणि भगवान ने उखाड़ ली, और उखाड़ के भगवान ने उनको ये मतलब श्राप दिया कि तुम अमर रहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि बोले कि तुम इसी हालत में, क्योंकि तुमने 5 बच्चों को मारा है इसलिए तुम इसी हालत में तड़पते रहोगे। तो जब भगवान ने मणि निकाली तो उधर से खून सब मतलब जख्म हो गया था। तो माना जाता है कि कृष्ण भगवान के श्राप से आज भी अश्वत्थामा जिंदा है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में वो भटक रहे हैं उसी जख्म को लेके, जो आज हम लोगों को इसमें बताया फ्रेंड्स। दूसरा रहस्य है फ्रेंड्स पांडु का। तो वो मैंने सुना था कि, लेकिन मैंने ये सुना था कि पांडु ने ये बोला था, पांडु त्रिकाण ज्ञानी थे यानी उनको आगे पीछे का सब ज्ञान था, कल क्या होने वाला है, आगे किसका क्या परिणाम होगा, सब उनको मालूम था।
तो वो त्रिकाल ज्ञानी थे, तो उन्होंने ये बोला कि जब मैं मर जाऊं तब पांडव जो मेरे 5 पुत्र है वो मेरे दिमाग को खाएंगे, इसमें बॉडी बताया, मैंने ये सुना था कि मेरे दिमाग को खाएंगे, तो मेरे दिमाग में जितनी भी शक्ति है त्रिकाल ज्ञानी की, यानी सब जो पता रहता है वो त्रिकाल ज्ञानी को बोलते, अंतर्यामी भी बोलते हैं, जो मतलब अंतर्यामी नहीं बोलते, मतलब उनको सब पता रहता है आगे क्या होता है वो। लेकिन जो 3 पांडव बड़े जो पांडव थे उन्होंने नहीं खाया, और नकुल और सहदेव उन्होंने खाया था फ्रेंड्स, इसलिए उनको सब ज्ञान भी आ गया था और उनको जड़ी बूटी ये वेद की भी पूरी उनको विद्या थी उनके पास। इसलिए जो महाभारत में घायल होते थे, चाहे पांडव पक्ष से हो चाहे कौरव पक्ष से हो, उनका इलाज ये दोनों ही करते थे, मेरे को इस हिसाब से मालूम था। और तीसरा और जो रहस्य है बर्बरीक का, तो बर्बरीक जो थे फ्रेंड्स वो घटोज घट के बेटे थे, और उनको ये वरदान था, उनके पास 3 ही तीर था, लेकिन उसको 3 तीर चलाने की भी जरूरत नहीं थी, वो एक ही तीर, अगर वो एक बार वो तीर चलाएंगे तो उधर जितने भी लोग रहेंगे वो सब पे निशाना साधेंगे, तो वो जब युद्ध में जाएंगे तो एक ही तीर में तो पूरा युद्ध ही समाप्त कर देंगे ना, इसलिए। और उनको प्रमुख तौर पर ये शिक्षा दी गई थी कि भाई जो दुनिया में मतलब स्ट्रोंग है उसको हर कोई साथ देता है, लेकिन तुम निर्बल का सहारा बनना, तो इसीलिए वो उन्होंने बचपन से यही शिक्षा सुनी थी, तो उनका यही ध्येय था कि अगर मैं निर्बल जो होगा उसी की तरफ से लड़ूंगा, तो उनको धर्म धर्म से कुछ नहीं था, वो निर्बल के पक्ष में ही वो लड़ेंगे। तो कृष्ण भगवान ये जानते थे कि ये निर्बल के पक्ष में ही लड़ेंगे, यानी वो जब हारने तो वाले कौरवी थे, कृष्ण भगवान अंतर्यामी थे वो जानते थे, तो भगवान ने उनका शीश पहले उनकी परीक्षा ली कि तुम्हारा 3 बाण है वो चला के दिखाओ। भगवान ने बोला कि ये सामने जो पेड़ है उस पे तुम 3 बाण है तुम्हारा वो एक चला के दिखाओ। जब बर्बरीक ने वो चलाया तो पेड़ में जितने भी पत्ते हैं सब में छेद हो गया, यानी सब उन्होंने निशाना साध लिया, और एक भगवान ने चालाकी करी कि उनके पैर के नीचे एक पत्ता जो भगवान ने दबा दिया था वो उनके पैर के नीचे होते हुए भी वो निशाना उनका साध लिया फ्रेंड्स। तो ऐसे थे बर्बरीक, भगवान को पता चल गया कि अगर ये अगर कौरव के पक्ष से जाएंगे तो हार निश्चित है, और उस कौरव के पक्ष में अधर्म है, तो अधर्म को तो भगवान कभी जीतने दे ही नहीं सकते थे। तो भगवान ने उनका शीश दान में मांग लिया और बर्बरीक ने फ्रेंड्स अपना शीश दान में दे दिया। लेकिन बर्बरीक की एक, जैसे इसमें भी बताया कि एक मांग थी कि मैं ये पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ, और भगवान ने उनको पूरा युद्ध उनका सिर के थ्रू उन्होंने युद्ध देखा, और युद्ध देखने के बाद बर्बरीक ने और एक मांग की कि मैंने ये युद्ध देखा है फ्रेंड्स, मैंने ये भगवान युद्ध देखा है, तो मेरे को भी आप कोई वरदान नहीं दोगे क्योंकि मैंने मेरा शीश दान किया है। तब भगवान ने उनका शीश लेके गोल घुमा के भगवान ने उछाला, और वो शीश गिरा राजस्थान के खाटू में, जो आज श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ने उनको वरदान दिया था कि इस जन्म में, इस महाभारत में तुम्हें शीश दान दिया है, तो तुम कलयुग में श्याम मेरे रूप में पूजे जाओगे फ्रेंड्स, और तुम हारे का सहारा बनोगे फ्रेंड्स। इसीलिए बोला जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, 3 बाणधारी शीश के दानी फ्रेंड्स, श्याम बाबा के रूप में राजस्थान के खाटू में श्याम बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, और वो श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये था 3 रहस्य, 2 रहस्यों पे हम आगे और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहती थी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो सॉरी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, श्याम बाबा के नाम से जरूर मेरा सब्सक्राइब करी मतलब कर दे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहा है, और लाइक जरूर करें। आपको और अच्छा लगे तो कमेंट्स और शेयर दोनों कर सकते हैं, और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसी किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।